उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। शाम में दाइश के हिरासती कैंप से दो कैनेडियन खवातीन रिहा। खवातीन को दाइश से मुबैना वाबस्तगी पर हिरासत में लिया गया था। चार दर्जन के करीब कैनेडियन ताहाल शाम के हिरासती कैंप में हैं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर ने इंक्वायरी एक्ट में समन को चैलेंज करने का फैसला। एडवोकेसी ग्रुप ने फोर्ट के फैसले को मायूसकुन करार दिया। कमीशन को इंक्वायरी से पहले गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाने का कानूनी इख्तियार हासिल है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। दो रोज में रातों रात पंप्स पर कीमतों में 6 सेंट फी लीटर का इजाफा देखा जाएगा। हफ्ते के रोज कीमतों में कमी का इम्कान। सऊदी अरब की तेल के एमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने वाले ममालिक पर तनकीद। अमरीका की जानिब से तेल के एमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने पर सऊदी अरब बरहम। सऊदी वजीर तवानाई का कहना है कि हमें सुनने को मिल रहा है, आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। किंग चार्ल्स ने ऋषि सुनक को हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी। भारतीय नेजाद ऋषि सुनक ने बरतानवी वजारत उज़्मा का ओहदा संभाल लिया। ऋषि सुनक का कहना था कि अल्फाज से नहीं अमल से अपने मुल्क को मुत्तहिद करूँगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. शाम में दाइश के हिरासती कैंप से दो कैनेडियन खवातीन रिहा होकर कनाडा पहुंच रही हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम में दाइश के हिरासती कैंप से दो कैनेडियन खवातीन रिहा होकर कनाडा पहुंच रही हैं। रिहा होने वाली उन खवातीन में कम्बर्ली पॉलिमन भी शामिल हैं, जिन्हें कुर्द जंगजुओं ने 2019 में शाम में गिरफ्तार किया था और ISIS से उनकी मुबैना वाबस्तगी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। दूसरी खातून और उनकी बेटी की शनाख्त नहीं हो सकी है। यह खवातीन शुमाल मशरकी शाम के अलरूस कैंप से निकल गईं, जिसमें खवातीन और उनके बच्चों को मुबैना तौर पर दाइश से मुंसलिक रखा जाता है और मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक मंगल की सुबह नामालूम तादाद में बच्चों के साथ शुमाली इराक की तरफ रवाना हो गई। कनाडा का मौका यह रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो उन खवातीन से मुलाकात के लिए कौंसलर इमदाद नहीं भेजेगा, हालांकि कई दूसरे मगरबी ममालिक ने ऐसा किया है। वतन वापसी के इस जारी कोशिश में कनाडा की हुकूमत की शमूलियत वाज़ेह नहीं है। मुकामी चैनल ने वफाकी हुकूमत से पूछा है कि वतन वापसी की कोशिशों में इसका क्या किरदार है और क्या इसने हंगामी पासपोर्ट जारी किए हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि उनकी हुकूमत यकीनन शाम में कैनेडियंस को हिरासत में लिए जाने के बारे में आगाह है और हम स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी निगरानी में काफ़ी वक्त सर्व करते हैं और बगौर देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास प्रोटोकॉल मौजूद हैं, ट्रूडो ने कहा। हम खास तौर पर इस इलाके में बच्चों की फलाह बहबूद पर तवज्जो देते हैं, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं मैं बराह रास्त ऑपरेशंस पर तबसरा नहीं करता। ह्यूमन राइट्स वॉच का अंदाज़ा है कि आज से पहले तकरीबन 4 दर्जन कैनेडियन मर्द, औरतें और बच्चे, जिनमें से ज़्यादातर की उम्रें 6 साल से कम हैं, शाम के हिरासती कैंपों में रहे। प्रीमियर डग फोर्ट की हुकूमत एमरजेंसी एक्ट इंक्वायरी में पेश होने के लिए इनके समन को चैलेंज करने के लिए तैयार है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रीमियर डग फोर्ट की हुकूमत एमरजेंसी एक्ट इंक्वायरी में पेश होने के लिए उनके समन को चैलेंज करने के लिए तैयार है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ट को एमरजेंसी एक्ट इंक्वायरी में गवाही के लिए तलब किया गया है, लेकिन उनकी हुकूमत का कहना है कि वो अदालत में समन को चैलेंज करेंगे। इंक्वायरी कमेटी वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता मौसम सरमा में आटोवा और मुतअद्दिद बॉर्डर क्रॉसिंग पर आने वाले एहतजाजी काफिले के जवाब में एमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल पर गौर कर रही है। कमीशन के कानूनी मुशीर के एक ख़त के मुताबिक फोर्ट और ऑन्टेरियो की वजीर सेहत सिल्विया जॉन्स, जो एहतजाज के दौरान सूबे के सॉलिसिटर जनरल थी, को कमीशन ने मुतअद्दिद बार पेश होने को कहा।
खत में लिखा गया है, हमें उम्मीद थी कि प्रीमियर फोर्ड और मिनिस्टर जॉन्स रजाकारा तौर पर कमीशन के सामने पेश होने पर राजी होंगे। ताहम ये देखते हुए कि बार बार आने वाले दावतनामे सबको मुस्तरद कर दिया गया था, कमीशन ने प्रीमियर फोर्ड और मिनिस्टर जॉन्स को समन जारी किया है। कमीशन को इंक्वायरी से पहले गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाने का कानूनी इख्तियार हासिल है। ऑन्टेरियो के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत समन को चैलेंज करेगी, ये दलील देते हुए कि जॉन्स और वजीर आजम पार्लिमानी इस्तेहकाक के तहत आते हैं। मजमूई तौर पर हमारा नजरिया हमेशा ये रहा कि ये पुलिसिंग का मामला था और पुलिस के गवाह जो गवाही दे रहे हैं वो कमीशन को मतलूबा सबूत फराहम कर सकते हैं। कैनेडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन इंक्वायरी में हिस्सा लेने वाले एक एडवोकेसी ग्रुप ने समन को चैलेंज करने के फोर्ड के फैसले को मायूसकुन करार दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोर्ड ने कहा कि वो वफाकी हुकूमत की तरफ से एमरजेंसी एक्ट के इस्तेमाल की हिमायत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो वजीर आजम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इससे कबल ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ट्रूडो ने कहा, डग फोर्ड सियासी वजूहात के बिना पर उस पर अपनी जिम्मेदारी से छुपा रहे हैं और ये जरूरी है कि हम उन्हें इससे दूर न होने दें। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में माहिरीन की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़्यादातर जनूबी ऑन्टेरियो में ड्राइवर अगले दो दिनों में गैस की कीमतों में इजाफे से पहले अपनी गाड़ियों की टंकियां भरवाना चाहेंगे। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटेक के मुताबिक वो रातों रात 6 सेंट इजाफे के साथ नई कीमत 166.9 सेंट फी लीटर तक देखने की तवक्को रखते हैं। सूबे में बुध को पम्प की कीमतों में 6 सेंट फी लीटर का इजाफा देखा जाएगा। बशमूल टोरंटो, ओटावा, किचनर, हैमिल्टन और विंडसर जैसे मुकामात इलाकों में ज़्यादातर कल 166.9 सेंट्स फी लीटर तक इजाफा देखा जाएगा। मैकटेक के मुताबिक 7 सेंट्स के इजाफे के साथ कीमतें जुमेरात को एक बार फिर बढ़कर 173.9 सेंट फी लीटर हो जाएंगी। आखिरी बार ऑन्टेरियो में गैस की कीमतें 12 अगस्त को इतनी ज़्यादा थीं जब वो सिर्फ 175 सेंट फी लीटर तक पहुँच गई थी। फोर्ड हुकूमत ने 1 जुलाई को ऑन्टेरियो में गैस टैक्स में 5.7 सेंट फी लीटर की कटौती नाफिज की और उस दिन कीमतों में 11 सेंट्स की कमी वाकई हुई। गैस की कीमतें हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कब एक और बड़ी कमी वाकई होगी। ताहम ड्राइवर इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि हफ्ते के आखिर में शाम को गैस स्टेशन पर चंद सेंट्स की कमी वाकई हो जाती है, जिसकी बदौलत गैस पार्स चंद घंटों के लिए अपने रिटेल मार्जिन को खो देते हैं। अमरीका की जानिब से तेल के एमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने पर सऊदी अरब ने बरहमी का इजहार करते हुए इसे मार्केटों पर असर अंदाज होने की कोशिश करार दे दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने तेल के एमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने वाले ममालिक पर तनकीद की है। अमरीका की जानिब से तेल के एमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने पर सऊदी अरब ने बरहमी का इजहार करते हुए उसे मार्केटों पर असर अंदाज होने की कोशिश करार दे दिया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी अरब के वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि तेल के एमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने वाले ममालिक कीमतों में रद्दोबदल और मार्केट पर असरअंदाज होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि दुनिया को खबरदार करूँ कि एमरजेंसी तेल इस्तेमाल करने से दुनिया को आने वाले महीनों में इंतहाई तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी वजीर तवानाई ने मजीद कहा कि सुनने को मिल रहा है कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ, क्या इस बात की कोई गुंजाइश है? हम सऊदी अरब के लिए हैं और हम सऊदी आवाम के लिए हैं। सऊदी अरब और वाशिंगटन के दरमियान दहाइयों पर मुहित देरीना दोस्ती से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने समझदारी का मुजाहरा करने का फैसला किया है और उसे कोई परवाह नहीं, आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। अमेरिका यूक्रेन जंग के बाद से तेल की कीमतों पर काबू पाने के लिए अब तक अपने स्ट्रेटेजिक जखायर में से 18 करोड़ बैरल के जखायर जारी कर चुका है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने स्ट्रेटेजिक जखायर से 1.5 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया था। बरतानिया में जारी सियासी बुरहान ने ऋषि सोनक के सर पर वजारत उज़्मा का ताज सजा दिया है। किंग चार्ल्स ने ऋषि सोनक को हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में जारी सियासी बहरान ने ऋषि सोनक के स्तर पर वजारत उज़्मा का ताज सजा दिया है। किंग चार्ल्स ने ऋषि सोनक को हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद भारतीय नजाद ऋषि सोनक ने बरतानवी वजारत उज़्मा का अहदा संभाल लिया। ऋषि सोनक बरतानिया की 200 साल तारीख में 97वें और सबसे कम उम्र वजीर आजम है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ऋषि सोनक ने बकिंघम पैलेस में बादशाह चार्ल्स से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें बरतानिया में हुकूमत बनाने की इजाज़त दी गई।
برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ ملک کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہوں، الفاظ سے نہیں عمل سے اپنے ملک کو متحد کروں گا۔ رشی سوناک نے کہا کہ سب سے پہلے عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے، میری حکومت کا پہلا ایجنڈا معاشی استحکام اور اعتماد کی بحالی ہوگا، میں عوامی مفاد کو سیاست سے بالا تر رکھوں گا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کا کہنا تھا کہ عوام کے مفادات کو سیاست سے بالا تر رکھوں گا، دن رات اس ملک کے لیے کام کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بطور وزیر اعظم بورس جانسن کی کامیابیوں پر ان کا شکر گزار ہوں، پارٹی کا اعتماد حاصل کر لیا، اب عوام کا اعتماد حاصل کروں گا، اگلی نسل کو قرضوں کے بوجھ تلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ واضح رہے کہ رشی سوناک گزشتہ 3 ماہ کے دوران برطانیہ کے 3rd وزیر اعظم ہیں، جبکہ وہ برطانیہ کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔